चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के अपने स्पेशल प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं बच्चन परिवार के घर आई उस खुशखबरी के बारे में, जिससे की वजह से अमिताभ बच्चन भी झूम उठे हैं। और ना केवल अमिताभ बच्चन बल्कि पूरा बच्चन परिवार खुशियों से झूम उठा है। जी हाँ, बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खुशखबरी जो कि अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, 77 साल के हो चुके सदी के महानायक, एक ऐसी एज जहां पर आकर हर कोई चाहता है कि अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया जाए, अपने घर में समय व्यतीत किया जाए, लेकिन 77 साल की उम्र में भी अपने आप को एक्टिव बनाए हुए अमिताभ बच्चन, जो आज भी न जाने कितनी ही फील्ड में अपना काम करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ा हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हो, या फिर कोई सोशल वर्क ही क्यों ना हो, देश में ये चलने वाले तमाम मुद्दों के भी प्रति वो अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते रहते हैं समय समय पर। ट्विटर के जरिए वो अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं। चलिए फिर एक नजर डालते हैं उस खुशखबरी के बारे में जो कि बच्चन परिवार के साथ साथ अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। 77 साल के हो चुके अमिताभ बच्चन, जिस उम्र में आम आदमी हो या फिर बॉलीवुड का कोई स्टार ही क्यों ना हो, हर कोई रिटायरमेंट लेना पसंद करता है, हर कोई अपने घर में रहना पसंद करता है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा एक्टिव हीरोज और बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बच्चन परिवार की उस खुशी के बारे में, उस खुशखबरी के बारे में, जिसकी वजह से एक बार फिर से बच्चन परिवार खुशियों से झूम उठा है। बता दें यहाँ पर हम आप लोगों को कि फोर्ब्स मैगजीन ने भारत की 100 हस्तियों की सूची निकाली है जिनकी कमाई सबसे अधिक है। आप लोगों को बता दें कि इस लिस्ट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम चौथे नंबर पर आता है और पूरे 100 लोगों की लिस्ट में से और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की लिस्ट में से अगर आपका नाम चौथे नंबर पर आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है और इस खुशी के हकदार बने हैं अमिताभ बच्चन जी। आपको जानकारी दे दें कि इस 100 हस्तियों की सूची में से सबसे पहला नाम है विराट कोहली का। पहले नंबर पे सलमान खान हुआ करते थे, लेकिन अब सलमान खान को पीछे छोड़ विराट कोहली पहले नंबर पर आ गए हैं। और विराट कोहली की अगर हम आपको कमाई बताएं, 31 साल के कोहली की कमाई 252 करोड़ 72 लाख बताई गई है। ये 100 लोगों के लिस्ट साल भर की कमाई, यानी कि एक साल में इन स्टार्स ने कितना कमाया है उस पर ये लिस्ट निकाली गई है, जिसमें पहला नाम कोहली का है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, दूसरे नंबर पर आते हैं अभिनेता एक्टर अक्षय कुमार, जिनकी कमाई 293.25 करोड़ बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अब और तीसरे नंबर पर आते हैं सलमान खान, जिनकी कमाई है 229.25 करोड़। और अब आपको बता दें कि चौथे नंबर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का नाम है, जिनकी साल 2019 की पूरी कमाई है 239.25 करोड़। और इस लिस्ट में अगला नाम है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जिनकी कमाई है 135 करोड़ लगभग। आप लोगों को बता दें कि ये 100 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें छठे नंबर पर शाहरुख तो सातवें नंबर पर रणवीर भी थे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में आलिया और दीपिका का भी नाम है। इसी के साथ 100 कई दिग्गजों का भी नाम है।
लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं केवल अमिताभ बच्चन के बारे में। आप लोगों को बता दें कि 77 साल के हो चुके अमिताभ के पास आज भी इतना काम है और आज भी वो इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लोगों की रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है लेकिन वो आज भी पूरी इंडस्ट्री पे राज करते हैं। आपको बता दें कि अभी भी अमिताभ बच्चन के पास यानी कि साल 2020 में कई ऐसी फिल्में उनकी हैं जो आने वाली हैं और वो फिल्में कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। आप लोगों को बता दें कि फिल्म जंजीर में एंग्री मैन के रूप से फेमस हुए अमिताभ की काम के प्रति भूख उम्र के साथ कम नहीं हुई। आज भी वो एक्टिंग के फील्ड में कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के मामले में वो कई यंग एक्टर्स को भी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। चाहे विज्ञापन हो, टीवी हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, हर कहीं आज भी अमिताभ का जलवा बरकरार है। वो इस उम्र में भी बड़े पर्दे पर एक्शन करते हुए नजर आते हैं। बात करें अगर उनकी आने वाली फिल्मों की तो उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। वो फिल्म ब्रह्मास्त्र में वो रणवीर आलिया के साथ, सैरा नरसिम्हा रेड्डी में वो चिरंजीवी के गुरु के रोल में, फिल्म झुंड में वो एक फुटबॉलर के रूप में, फिल्म गुलाबो सिताबो में वो एक बुजुर्ग मुस्लिम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वो गुमनाम, चेहरे, लक्ष्मी बॉम्ब और बॉम्बे में भी अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दें कि अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया, पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उन्हें बधाइयां भी दी हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा वो अपनी पोस्ट के लिए लाइमलाइट में बने रहते हैं। कोई भी इशू हो, देश का कोई भी मुद्दा हो, अमिताभ बच्चन उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिखते हैं और अपने ट्वीट के माध्यम से वो हमेशा अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अमिताभ बच्चन 77 की उम्र में भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हाल ही में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में उनकी तबीयत में थोड़ा बिगाड़ ज़रूर आया था, लेकिन एक बार फिर से वो फिट होके और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना काम करने लौट चुके हैं। और ये जब 2019 की पूरी लिस्ट सामने आई है कि साल 2019 में किसकी कितनी कमाई हुई है, तो इसमें अमिताभ बच्चन का चौथे नंबर पर नाम होना बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी वजह से पूरा बच्चन परिवार झूम उठा है। लोगों की लिस्ट, 100 अभिनेताओं, दिग्गज कलाकारों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम चौथे नंबर पर होना बहुत बड़ी बात है। जी हां, 77 साल के अमिताभ बच्चन का नाम चौथे नंबर पर है और ये लिस्ट निकली है साल 2019 की। एक मैगजीन ने ये लिस्ट निकाली है जिसमें साल 2019 के ऐसे 100 लोगों को चुना गया है जिनकी साल भर की कमाई सबसे ज्यादा है और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है अमिताभ बच्चन जी। और ये यकीन मानिए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसी है जहां पर आकर हर कोई आराम करना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन सर के पास अभी भी इतने ज्यादा काम है, इतनी ज्यादा फिल्में हैं और साल 2020 में भी उनके पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उन्हें काम करना है और उनसे इनकम होनी अभी बाकी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि साल 2020 में भी क्या अमिताभ बच्चन इस लिस्ट में अपना नाम बना पाते हैं या फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।